यही हमारी वो भी पॉइंट आती है जिसके बाद आप लोग हमारी वीडियो देखना छोड़ देते हैं। कि बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSU की सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्टिंग से इंड तक, कैसे आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, उन सबकी क्या क्या स्टेप होती है जो आपको आगे फिल करनी होगी, फिर कैसे आप लोग फाइनल एडमिशन तक पहुंच जाओगे एंड आपको सीट कैसे अलॉट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिवाइडेड दीज स्टेप इंटू 7 पॉइंट, उसके बाद हम लोग ये 7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारी आती है फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिल नहीं किया है तो कर सकते हो, तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको इनकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी एंड उसके बाद उसकी पेमेंट वगैरह करनी होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप में, जो है हमारी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो इसके बाद आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी जिसमें से आपकी आपकी चॉइस पूछी जाएगी, जैसे आप लोग BBA BCA या फिर जो भी कोर्स अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हो ये आपसे पूछी जाएगी। एंड उसी में आप चॉइस फिलिंग होगी जिसमें आपको एडिटिंग लॉक अपनी चॉइस फिल करनी होगी। थर्ड आपकी होगी अलॉटमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो जिस भी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स होंगे, इसमें भी पता आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन है, तो जिस भी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स होंगे उस हिसाब से उनको सीट कर दिया जाएगा। एंड इसमें थर्ड कट ऑफ तक आती है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड होती है जिसमें थर्ड राउंड तक इसकी कट ऑफ निकल के आती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर आती है फोर्थ नंबर, जो है सीट कन्फर्मेशन। उसके बाद जब भी जो भी सीट आपको अलॉट हो गई है तो आपको उसे पहले कन्फर्म करना पड़ेगा। तो कन्फर्म करने के लिए आपको उसके लिए कुछ पेमेंट फीस करनी होगी, लाइक 5000 6000, ये कुछ ऐसे ही इनकी फीस रहती है जो आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे ही जो भी अमाउंट है वो आप पे कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपकी आएगी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे, लाइक 12th मार्कशीट 10th मार्कशीट, फिर अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसकी अदर सर्टिफिकेट, फिर ECA वगैरह LOR ये सब होगी। उसके बाद नेक्स्ट 6th स्टेप आती है फ्रीजिंग ऑफ प्रोग्राम एंड कैंपस अपग्रेडेशन। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई सक्सेसफुल हो गए तो फिर उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम फ्रीज करानी होगी, मीन्स उसे कंफर्म करना होगा। एंड बस अगर आपको पसंद नहीं, आप दूसरे कैंपस जाना चाहते हो, अगर उसमें वो अवेलेबल है तो फिर आपको उसे भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट डिवाइड हो जाते हैं। तो एक ये हो गया जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अब हम बात करते हैं जिन लोगों का नहीं हो गया। तो जिन लोगों का नहीं हुआ उन सब के लिए आ जाती है स्पॉट राउंड। तो उसमें स्पॉट राउंड में आप सब वहाँ जाके, या फिर ऑनलाइन भी वो स्पॉट काउंसलिंग होती है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको इतनी फीस पे करनी होगी। एंड उसमें सारे बच्चे आएंगे एंड सबको ऑप्शन दिया जाएगा, जितनी भी सीट खाली होगी उसमें वो सारी फिल हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप लोग उस एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आप अपनी रिफंड ऑफ फीस जो आपने काउंसलिंग में पे की होगी उसको आपको रिफंड मिल जाएगी। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेप आती है एडमिशन ऑफ बैलेंस फीस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एलॉटेड कैंपस। तो जितनी भी फीस आपकी सेमेस्टर की फीस बच गई है, इसके बाद वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। एंड उसके बाद जो भी आपको कैंपस है उसको आपको रिपोर्ट करना है, फिजिकल फिर वेरिफिकेशन होगी। तो एंड यही हमारी वो भी पॉइंट आती है जिसके बाद आप लोग हमारी वीडियो देखना छोड़ देते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है।